दुनिया में एक नन्ही किलकारी का आना बेहद ही खुशी का पल होता है और माँ और परिवार वालों के लिए ये बेहद खुशी देने वाला पल होता है जिसमें अमीरी गरीबी सब भुला दी जाती है। लेकिन ऐसी खबर लगभग हर जगह से आती है, पर बड़ा एग्जाम्पल सामने आ रहा है उत्तराखंड पे। यहाँ पर माँ ने दुनिया छोड़ दी है और बाप इंसाफ के लिए धर धर भटक रहा है। और ये पूरी कहानी है उस बच्चे की, नवजात बच्चे की, जिसके जन्म लेते ही माँ का साया छूट गया और पिता तलाश कर रहा है अपने लिए न्याय की। ये कोई कहानी नहीं है, ये पूरी सच्चाई है हरिद्वार जिले के बहदराबाद थाने क्षेत्र की और यहाँ पे स्थित एक नर्सिंग होम की, जहाँ पर इस महिला का उपचार चल रहा था। यहाँ पे परिजनों ने हालांकि बड़ा हंगामा भी किया है और बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। चिकित्सकों पर यहाँ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हंगामे के चलते दक्ष नर्सिंग होम में मौजूद चिकित्सक, जो कि पूरी मिलई भगत में शामिल थे, फरार हो गए हैं। 10 दिन के बाद तक अभी भी नर्सिंग होम खुला है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, जिसे अभी तक ये लोग फरार भी बताए जा रहे हैं और नर्सिंग होम भी किस तरह से काम करता है इसकी भी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। मृतक महिला के घर वालों ने बताया कि 10 दिन से लगातार मृतक महिला का परिवार वाले इंसाफ के लिए थाने से लेकर SSP ऑफिस से लेकर स्वास्थ्य विभाग पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अभी भी इंसाफ नहीं मिला तो इनका गोरख धंधा चल रहेगा। ये पहला मामला नहीं है, आए दिन इस तरह की कहानी सामने आती है कि पैसे के चलते ये जो डॉक्टर, जो कि धरती के भगवान कहे जाते हैं, इंसानियत भूल जाते हैं, सिर्फ पैसे के गुलाम होकर रह जाते हैं और अंधेरा फैलाने में भी पीछे नहीं रहते। अंधेरा फैलाना मतलब किसी की जान लेना। अब आपको बताएं, इंसाफ मिलना तो दूर की बात है, पुलिस यहां पर रिपोर्ट लिखने को भी तैयार नहीं है और यहां पर खुलेआम चल रहे हैं डिलीवरी के गोरख धंधे, जो कि ठेके पर चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि यहाँ कोई सरकारी सुविधा नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से बड़ी बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं जच्चा बच्चा के नाम पर, लेकिन आम लोगों तक जानकारी नहीं है, आम लोगों तक सुविधा नहीं है, जिसके चलते बेचारे परिजन परेशान होकर जाते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम या सरकारी नर्सिंग होम। दोनों की मिली भगत यहाँ पर नजर आती है, दोनों ही परिवारों को लूटते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर सरकारी नर्सिंग होम हो, सरकारी अस्पताल हो, तो लोगों को इतनी परेशानी ना उठानी पड़ी, मजबूरी में जाते हैं। यहाँ कि जो इस महिला की कहानी है, वो पहुंची डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उन्हें डिलीवरी के नाम पर 26,000 रुपए लिए और बतौर एडवांस 17,000 रुपए जमा भी करवाए। जब महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो उन्होंने, डॉक्टर सुनीता ने उसे नजदीकी नर्सिंग होम सूर्यदेव नर्सिंग होम में डिलीवरी की भर्ती कराया और जब घर वालों से पैसे की बात कही तो घर वालों ने बोला कि बाकी पैसा दे देंगे। लेकिन इसी दौरान उन्हें पैसा न मिलने पर उन्होंने लापरवाही दिखाई, महिला पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते महिला ने दम तोड़ दिया और रह गया उसका नवजात शिशु बिलखता हुआ। आज भी वो अपनी माँ के लिए बिलख रहा है, लेकिन इनके लिए इंसानियत से ज्यादा जरूरी है तो वो है पैसे, क्योंकि ये इनके धंधे को चलाते हैं। और ये एक शख्स नहीं है जिसके साथ ये कहानी हुई है, देश और दुनिया में सब इस तरह के गोरख धंधे, खास तौर से भारत और भारत के कई क्षेत्र पर भगवान के नाम पर जो डॉक्टर है, जिन्हें डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो लोगों से इसी तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या था आपका मामला जो आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो? अरे मैंने वहाँ पे, मैं आशा के धरे गया, आशा ने मुझे, मैं बोलने लगा मुझे वाइफ को भर्ती करा दे, ऊपर एक नेट थी, वो कहने लगी सरकारी में तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे उसमें ले गई, वो दक्ष में ले गई और वहाँ जाके उसने भर्ती करा दी, मैं दक्ष वाले उसमें ले गए, सूर्यदेव में ले गए और वहाँ पर जाके रात को 3 बजे ऑपरेशन करा दिया और वहाँ पर से फिर ऑपरेशन कराती अपने उसमें ले आई एम्बुलेंस में डाल के दक्ष में। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मैं आ गई दक्ष, उसमें दक्ष में तो फिर ठीक रही, फिर पैसे जमा करवाए मेरे पास, मेरे से, तो फिर कहने लगे अगले दिन उससे और पैसे ले आओ। मैं पैसे लेने के लिए चला गया, फिर उसकी तबीयत खराब हुई, मृत्यु हुई है। क्या है वो मामला? हमने उसमें दक्ष में एडमिट कराई थी और वहाँ पे सूर्यदेव में ले जाके वो हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पुलिस को कार्रवाई के लिए कहा आपने? पुलिस को कार्रवाई के लिए कहा, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, 10 दिन हो गए। हॉस्पिटल का क्या कहना है? हॉस्पिटल का सब फरार है, वहाँ से कोई नहीं मिल रहा, वहाँ पे SO के यहाँ गए, थाने में गए थे, वहाँ भी कुछ नहीं हुई। क्यों क्यों हुई ये मृत्यु उनकी, क्या लापरवाही मानते हो? ये कि डॉक्टरों की लापरवाही से हुई। अभी क्या चाहते हैं आप? बस इंसाफ चाहते हैं।